भारतीय किसान संघ की शमशाबाद इकाई ने दर्जनों किसानों के साथ तहसील पहुंचकर तहसीलदार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने अपने ज्ञापन में कई मांगों का जिक्र किया है। हाल ही में बाढ़ से प्रभावित किसानों को सही आंकलन कर मुआवजा दिया जाए, किसानों के सेविंग अकाउंट में मुआवजे की राशि डाली जाए, वहीं कई गाँवों में ट्रांसफर जले पड़े हैं उनको दुरुस्त किया जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होगा। कैसा मुआवजा आपको चाहिए? 100% किसान की फसल जा चुकी है, किसान के लिए पर्याप्त मात्रा पूरा जितना 100% मुआवजा मिलना चाहिए, लागत भी नहीं निकलना। ऐसी थी जो पूरी तरह से तबाह हो गई, उसमें धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, ये सारी फसलें जो खरीफ की थी वो सारी बर्बाद हो गई। अभी जो शासन की गाइडलाइन से मुआवजा दिया जा रहा है, क्या ये उचित है? अभी तो मुआवजा कुछ मिला ही नहीं, कोई बात ही नहीं इसके विषय में, ना कोई सर्वे हुआ है। बेचारे सर्वे हो, गांव के मकान गिरे हुए पड़े उनका भी सर्वे हो। अभी किसानों को मुआवजा उचित समय पर नहीं मिलता है तो किसान फिर आगे क्या कदम है? आगे सभी लोग इकट्ठा होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। हमने बिजली की मांग को लेकर सौंपा है, जिसमें ट्रांसफार्मर की अनियमितताएं चल रही हैं, ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, किसानों को असुविधा खड़ी हो रही है। दूसरा, हमने बीमा के विषय को लेकर दिया है, 2019 का जो शेष बीमा है वो राशि डाली जाए, किसान बहुत पीड़ित है। तीसरा, हमने जो अतिवर्षा के कारण फसलें खराब हुई हैं उनका सही सर्वे कराकर किसानों को लाभान्वित किया जाए। इसके बाद हमने इसमें एक बिंदु और ये जोड़ा है कि जो आप मुआवजा दें वो किसान क्रेडिट कार्ड के उसमें समायोजित ना करें, उनके सेविंग खाते में डाला जाए, जिससे वो पैसा विड्रॉल करके अपना काम सुचारू रूप से चला सके। इस तरह के हमने ज्ञापन में बिंदु लिए। शासन ने क्षतिपूर्ति राशि बाढ़ पीड़ितों को दिए, क्या किसान उससे संतुष्ट? नहीं, उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी पूर्णता सर्वे भी नहीं हुआ है, पूर्णता राशि भी नहीं मिली है। तो किस मान से राशि दी जानी चाहिए? जो एक साधारण आकलन होता है कि भाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में आप प्रत्येक खेत का आकलन करें, इसके बाद आपने एक जगह या एक किसी एक गांव का आंकलन करने के बाद संपूर्ण गांव को आप उस हिसाब से, वो अनुचित है। खेत को इकाई मानकर उसका आंकलन कराना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री महोदय के लिए सौंपा गया है, मुख्यमंत्री महोदय के लिए सौंपा गया है। विषय ये उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर, जैसे कृषि का मूल्य उनको लागत को ध्यान में रखते हुए दिया जाए, और कृषि यंत्र और जो बीज है, खाद बीज है, हमेशा जब भी दिया जाए चेकिंग किए जाए, उसकी प्रॉपर व्यवस्था रहे ताकि खराब बीज किसानों तक ना पहुंचे, और जो मुआवजा है खरीफ फसल का वो तत्काल सर्वे करा के उनको उपलब्ध कराया जा सके। ट्रांसफार्मर जैसे खराब हो जाते हैं तो जब भी रबी फसल के शुरू में पूरा चेकिंग हो जाए MPV के द्वारा, और ट्रांसफार्मर समय से लगा दिए जाए, और कुछ उनका जैसे गिरदावरी का जो एप्स है उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए, हर 2-3 महीने के अंतराल से एक अभियान चलाया जाए राजस्व द्वारा, और उनकी छोटी छोटी समस्याओं का, राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाए इसमें। दूसरा, रजिस्ट्री अगर कराते हैं तो रजिस्ट्री के साथ ही उनका नामांतरण भी हो जाए, ऐसी प्रक्रिया शासन द्वारा अपनाई जाए। अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, उसके सर्वे की प्रक्रिया किस स्थिति तक पहुंची और मुआवजा कब तक किसानों को मिलेगा? जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा मिलेगा। जो बाढ़ से प्रभावित फसल थी उनका हमारे द्वारा सर्वे कर लिया गया है, और जल्द से जल्द उनको मुआवजा अभी CM साहब 1 क्लिक के माध्यम से प्रदान करेंगे किसानों को, और बाकी फसलें जो है उनका जो सर्वे कार्य है इसके भुगतान के पश्चात उनका सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाएगा, और वो भी शासन द्वारा जल्द से जल्द। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।